Hey guys, what's up? Welcome to the study HPGK. So today here I am discussing about the HPS 2019. तो यहाँ पे HPPSC के द्वारा HPS 2019 की नोटिफिकेशन है जो कि रिलीज़ कर दी गई है, तो उसी के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पोस्टें इस बार 14 पोस्ट हैं जो कि इसमें रिलीज़ हुई हैं. तो क्या क्या इसमें किस किस की पोस्ट हैं, क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी सिलेबस क्या इसका सिलेबस है और कैसे आपको अप्लाई करना है, उसी के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा. सो सी दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे ही आप HPS की वेबसाइट ओपन करोगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 पे आगे ये पोस्टें रिलीज होती थी, फिर इस बार यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 में काफ़ी अदर्स पोस्ट रिलीज हुई और अभी ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2018 जो कि 2019 में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो उसकी पोस्टें यहाँ पे रिलीज़ हो चुकी हैं. तो इसमें आप देख सकते हो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे टोटल पोस्ट 14 हैं इसमें. तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे क्लास 1 की पोस्ट यहाँ पे बात करें एज एन STM तो इसमें यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसीज हैं जो कि रिलीज़ हुई हैं, जिसमें 2 वैकेंसीज इसमें से रिजर्व हैं, 1 फॉर द OBC एक्स सर्विस मैन एंड 1 फॉर द SC बार्ड ऑफ द फ्रीडम फाइटर. और इसके अलावा जो 1 वैकेंसी है तहसीलदार के लिए जो कि रिलीज़ हुई है उसमें 1 पोस्ट है और एक ही पोस्ट एक्स सर्विस मैन जर्नल के लिए है. और इसके अलावा जो नीचे BDO की पोस्ट रिलीज़ हुई हैं, दीज आर द मैक्सिमम पोस्ट दिस ईयर. तो 8 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं जिसमें 3 वैकेंसीज रिजर्व हैं और 5 वैकेंसीज हैं जो कि अनरिजर्व हैं. तो जो 3 वैकेंसीज रिजर्व हैं वो शेड्यूल कास्ट ऑफ द HP और सेकंड वन इज़ द रिजर्व कैटेगरी ऑफ द शेड्यूल ट्राइब के लिए है और थर्ड जो है फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए है, विच इज़ द हुज पर्सन इज़ द हियरिंग इम्पेयर्ड जो कि जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो उस पर्सन के लिए ये पोस्ट रिलीज हुई है. और एक वैकेंसी इस बार यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की है क्लास 2 गेजेटेड की, जिसका यहाँ पे एक वैकेंसी है तो वो वैकेंसी सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है. तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है इसमें, 4 जो वैकेंसीज क्लास 1 है उसमें पे स्केल रहता है 15600 और 5400 ग्रेड पे, और जो नीचे जो 3 टाइप की वैकेंसीज हैं जो कि BDO तहसीलदार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए हैं यहाँ पे जो ये 5000 ग्रेड पे रहता है और 10300 से इनका पे स्केल स्टार्ट होता है. तो अभी यहाँ पे मेन पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं. जैसा कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सारा यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है. डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो के नीचे लिंक भी दे दिया है यहाँ का, और अप्लाई करने का लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है. तो मैं बताऊँगा अभी कैसे कैसे अप्लाई करना है. सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है पर्सन की एग्ज़ाम देने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सन कोई भी है वो 20 से 21 to 35 उसकी एज होनी चाहिए, कोई जर्नल पर्सन है. और इसके अलावा जो कोई पर्सन अगर है रिजर्व कैटेगरी है तो उसको यहाँ पे 5 years का रिलैक्सेशन मिलेगी. तो और इसके अलावा जो कोई पर्सन ऑलरेडी अन एम्प्लॉई है वो 45 years तक एग्ज़ाम दे सकता है. तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, यहाँ पे 3 टाइप्स के एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट होंगे. फर्स्ट वन इज़ द प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम एंड सेकेंड वन इज़ द मेन्स एंड देन द इंटरव्यू. प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में क्या क्या होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में यहाँ पे क्या क्या सिलेबस होगा और कैसे कैसे पेपर आएगा. तो यहाँ पे जो MCQs क्वेश्चन आएंगे 200 क्वेश्चन MCQs आएंगे, 2 पेपर कंडक्ट होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा और सेकंड पेपर जो कि होगा वो CSAT का होगा, सिविल सर्विसेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट. तो जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, 10th लेवल के मैथ रीजनिंग एंड इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, जो कि क्वालिफाइंग होता है जिसमें आपको 33% स्क्योर करना होता है, विच आर द आउट ऑफ द 266 मार्क्स आपको स्क्योर करने हैं. क्वालिफाइंग पेपर है मेरिट के लिए, फर्स्ट पेपर के नंबर ही अवे किए जाएंगे. तो इसमें क्या क्या आएगा, सिलेबस क्या क्या आपको कैसे कैसे क्या क्या कैसे आपको पढ़ना है उसी के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा. तो जैसा कि मैं यहाँ पे प्री मिड प्री के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहा था, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, HPGK आएगा. HPGK का वेटेज यहाँ पे आउट ऑफ 10% HPGK का वेटेज रहेगा, जिसमें कि 20 क्वेश्चन आपको HP के ही देखने को मिलेंगे. इसके अलावा पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे. उसके अलावा जनरल अवेयरनेस में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. तो यही पार्ट इसमें डिवाइड होंगे. और इसके बाद जो पर्सन्स क्लियर कर जाएंगे उनका मेंस का एग्ज़ाम होगा. मेंस में आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट ऑप्शनल का चूज़ करना होगा, आउट ऑफ 31 सब्जेक्ट आप कोई भी ऑप्शनल का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं. पर इसमें यहाँ पे आपके जो आपको यहाँ पे दो पेपर देने होंगे ऑप्शनल के, और इसके अलावा जो आपका मेंस का पेपर होगा उसमें आपको 3 पेपर और देने होंगे, GS1 GS2 एंड GS3. तो अप्लाई कैसे करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, तो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो लिंक दिया गया है इस पर आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपके पास पेज ओपन हो जाएगा. अभी ओपन करके देख ही लेते हैं.
तो यहाँ पे ये पेज आपके पास ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो खुल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे तो आप क्लिक करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप वहाँ पे अप्लाई भी कर सकोगे। तो जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन पहले ऑलरेडी ओपन कर रखी थी, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या यहाँ पे ऑप्शनल के लिए जैसे मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा मेन बात आती है फ़ी पे करने के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस 400 रहेगी, अदर स्टेट्स के पर्सन कोई भी होंगे तो उनके लिए भी फ़ी 400 रहेगी। रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट उनको मिलेगा जिनका HP का बोनाफाइड होगा और जो लोग HP से होंगे। और एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे जैसा कि एक्स सर्विसमैन के बारे में दिखाया बताया गया, तो एक्स सर्विसमैन भी वही होंगे जो कि HP से होंगे, उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। कोई भी रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो कि स्टेट से बिलोंग करते होंगे, अदर स्टेट के पर्सन्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा रिजर्व कैटेगरी का। मेन पॉइंट यहाँ पे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन भी दिए गए हैं, तो जैसा कि यहाँ पे एडमिट कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। अभी तक इसकी एग्जाम डेट भी फिक्स नहीं हुई है जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया। तो जैसा ही नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा मैंने डिस्कस किया था, 21 to 32 एंड 21 to 37 फॉर द रिजर्व कैटेगरीज 5 years, एंड देन टोटल नंबर ऑफ द अटेम्प्ट आर द 6 एंड 42 एज, जो भी पर्सन हैं जो भी ऑलरेडी एम्प्लॉई हैं 42 की एज तक उनके पास ऑप्शन है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए जैसा मैंने बताया था GS का पेपर, तो GS का सिलेबस आपका ये है। तो देख सकते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी दिस इज द वन पार्ट, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश का ही यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आर्ट ये हिमाचल का अलग से रहेगा। फिर जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पॉलिटी वर्ल्ड ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स जो होंगे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आएंगे। और जो पेपर टू जैसा कि कोड नंबर टू जिसमें मैंने बताया था कि क्लास 10th लेवल का मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन वगैरह रहेंगे जो कि क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको सिर्फ 33% स्कोर करना है और 66 मार्क्स आपके यहाँ पे आने चाहिए, इजिली आ जाएंगे। जिस भी पर्सन का 10th तक मैथ अच्छा रहा होगा ही कैन इजिली अटेम्प्ट द CSET। तो यहाँ पे डिटेल जैसा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप सारा चेक कर सकते हो। मेंस के लिए जैसा यहाँ पे मैंने बताया कि मेंस के लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा, मेंस के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेंस का यहाँ पे कोई प्री की नोटिफिकेशन है, मेंस के लिए आपको फिर से यहाँ पे जब निकलेगा तो आपको अप्लाई करना होगा जो भी पर्सन सेलेक्ट होंगे। और मेंस के बारे के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो अभी फिलहाल आप प्री के लिए तैयारी करें, बिकॉज अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम आई होप जो यहाँ पे अलाइड सर्विसेज का एग्जाम निकला था उसके टेंटेटिव डेट भी आ गई है। मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हो वो भी वीडियो। तो उसकी टेंटेटिव डेट जैसा कि बताया गया है कि मार्च में कंडक्ट हो जाएगा, तो आई होप दिस एग्जाम विल आल्सो कंडक्ट टिल मई टू जून, मई जून तक ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। सो जो भी पर्सन एलिजिबल हैं वो अप्लाई करें। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वन इज द लेटेस्ट अपडेट। सो आज के लिए यहाँ पे इतना ही। सो हैव ए गुड डे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स। सो आज के लिए यहाँ पे इतना ही। सो हैव ए गुड डे।